हेलो बच्चों, मैं प्रेम सर। पिछले क्लासों में आप सब ने केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जाना था, जिसमें आपने देखा था एलिमेंट्स, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पिछले क्लासों में आप सबको जानकारी दी थी, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन सारे पॉइंट से भली भांति परिचित भी हो चुके होंगे। आज मैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण को स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप सभी अपनी पुस्तक, जो विज्ञान की किताब है, उसमें प्रथम चैप्टर जब देखेंगे तो आपको रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण लिखा हुआ एक चैप्टर मिलेगा। उस चैप्टर का पहला पॉइंट रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आइए हम सभी जाने कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। हमारे लिए एक अहम पॉइंट है, यहीं पर समझना जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ध्यान देंगे कि जब कोई पदार्थ स्वतः या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर किसी ऐसे पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। गौर करेंगे, जब कोई पदार्थ स्वतः या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर किसी ऐसे पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, तो ऐसी क्रिया या ऐसी घटना को हम सभी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यदि कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ है, इसको जब हीट करेंगे हम सभी, तो गर्म होने के बाद यह CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। ये CaCO3, इसको चूना पत्थर कहें या यह संगमरमर का धातु सूत्र होता है, जब इसको गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, जिसको कली चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कली चूना। और आप जानते हैं यह कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट एक ठोस पदार्थ हुआ, इसको जब आपने हीट किया तो एक ठोस पदार्थ का निर्माण किया और एक गैस बना, और इन दोनों का गुण जो है इस कैल्शियम कार्बोनेट के गुण से भिन्न भिन्न है। दूसरा एग्जाम्पल, आपने देखा कि जब कोई पदार्थ स्वतः, तो यह स्वतः एक पदार्थ टूटकर अन्य दो पदार्थों का निर्माण किया है जिनका गुण इस मूल पदार्थ के गुण से भिन्न है। उसी तरह यदि हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल बनाता है। इसको बैलेंस करेंगे, समीकरण को कभी भी असंतुलित नहीं रखना चाहिए। तो गौर करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु, यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु और यहाँ ऑक्सीजन के एक परमाणु है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के परमाणु को बैलेंस करने के लिए प्रयास करेंगे। तो यहाँ दो ऑक्सीजन है, इसके पहले इस जल के एक अणु के पहले दो लिखने के बाद हमारा यह ऑक्सीजन दो हो गया, लेकिन देखते हैं कि हाइड्रोजन चार हो गया,
तो इस हाइड्रोजन परमाणु के पहले अणु के पहले हम दो लगा देंगे। तो आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयुक्त कर जल का निर्माण करता है, या हाइड्रोजन जब जलता है तो पॉप की आवाज के साथ इसमें फड़फड़ाहट होता है, फड़फड़ फड़फड़ की आवाज देता है, या पॉप की आवाज के साथ जलता है और ऑक्सीजन किसी वस्तु को जलने में सहायता प्रदान करता है। दोनों का गुण देखेंगे, एक जलता है, एक जलने में सहायता प्रदान करता है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो जिस पानी का निर्माण करते हैं वह पानी आग को उष्मा को बुझा देता है। तो आपका जो परिभाषा हुआ कि जब कोई पदार्थ सोता या किसी अन्य पदार्थों से मिलकर किसी ऐसे पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, ऐसी घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये दोनों उदाहरण आपके परिभाषा को चरितार्थ करता है। दूसरा उदाहरण हुआ जिंक एक धातु है, यह सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करता है और सल्फ्यूरिक एसिड से ये लिक्विड है आपको गौर करेंगे और अभिक्रिया के फलस्वरूप ZnSO4 बनाता है। यह लौन है, यह लौन हो गया आपका, यह आपका अम्ल हो गया और यह धातु हो गया ठोस पदार्थ, और यह मिलने के बाद यह अम्ल धातु सभी क्रिया करके लौन बनाया और बदले में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न किया। इस तरह हम देखते हैं कि ZN H2SO4 से अभिक्रिया करके ZnSO4 बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अब आइए किस रासायनिक अभिक्रिया का क्या महत्व है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसके बारे में हम सभी जाने का महत्व क्या है। अब हम सभी रासायनिक अभिक्रिया के महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर यह रासायनिक अभिक्रिया का किन किन क्षेत्रों में महत्व है। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है, लिखेंगे हम के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। जब किसी भी धातु को हम लोग एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप लौण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लौण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यदि इसी ज़ेरन को हम लोग H2SO4 से अभिक्रिया कराएं तो यह ZnSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त। यदि सोडियम को ले लें, सोडियम को यदि हम HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप NaCl बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। यदि Na को H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप Na2SO4 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त। इस तरह हमने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हर स्थिति में जब धातु मेटल एसिड से अभिक्रिया करता है तो साल्ट बनाता है
और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप और क्षेप प्राप्त होता है। आपने क्या देखा कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लौण बनाता है और हाइड्रोजन गैस हर स्थिति में मुक्त होता है। दूसरा इसका महत्व है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप और क्षेप प्राप्त होते हैं। आपने क्या देखा कि सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड प्लस नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। यहां यह सिल्वर क्लोराइड एक और क्षेप है, यह सिल्वर क्लोराइड एक और क्षेप है। इस तरह पहला हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप प्राप्त होता है। अब आज रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के रंग में परिवर्तन होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में अगर नींबू के रस को धीरे धीरे निचोड़ा जाए तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो नीले रंग का विलयन है वह धीरे धीरे उसका रंग धीरे धीरे समाप्त होता जाए। आपने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। इसके बाद है हमारा ताप की उत्पत्ति। ताप की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप की उत्पत्ति होती है। चौथा पॉइंट है हम लोग का ताप की उत्पत्ति, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप की उत्पत्ति होती है। आप जानते हैं कि जब दिवाली और छठ के दिन आते हैं हमारे यहां तो हम सभी मार्केट से चूना खरीद कर लाते हैं। सभी के घरों में ऐसा होता है और उस चूना को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो वह पानी खौलना शुरू हो जाता है। अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड, मार्केट से हम लोग चूना लाते हैं उसे कली चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, और साथ ही साथ विपुल मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है कि यदि उस जल में आप अपने हाथ को डालेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, हाथ में छाले पड़ जाएंगे। तो इस तरह आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप की भी उत्पत्ति होती है। और अंतिम पॉइंट जो है ना, अंतिम महत्व है, वह है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन का अर्थ हो गया कि जब मोमबत्ती, देखिए मोमबत्ती को जब हम लोग लाते हैं बाजार से, उसको जलाते हैं तो जलने के बाद उष्मा देता है, CO2 देता है,
कार्बन डाइऑक्साइड धुआं देता है और जल देता है। जब वहां पर हाथ ऐसे रखेंगे तो जल के छोटे छोटे बूंद आपके हाथ पर आकर मॉइस्चराइज की तरह जम जाएंगे। इस तरह हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः पांच महत्व हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप औक्षेप प्राप्त होता है। तीसरा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। चौथा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप की उत्पत्ति होती है। और पांचवा, आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन होता है।